देख भाई, एग्जाम पास आ गया है, लेकिन तुम्हारे पास तीन मेजर प्रॉब्लम आ रहा है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताऊंगा। अब पहले प्रॉब्लम जान लो कौन सा है। फर्स्ट प्रॉब्लम है मोर सिलेबस लेस टाइम। सेकंड प्रॉब्लम की बात करें, याद नहीं रहता। हाँ, कुछ भी याद कर रहे याद नहीं रहता, ये नंबर बता देना। थर्ड नंबर ओवर थिंकिंग, यानी कि एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कर पाएंगे क्या, एग्जाम करेक्ट कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चन। चलो हम इस पे डिस्कस करें या प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएं। उससे पहले तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या तुम रेडी हो? हाँ, एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्या रेडी हो? अगर रेडी हो या तुम ऐसे कमेंट कर सकते हो, हाँ भैया मैं रेडी हूँ, मेरे एग्जाम का 3 मंथ बाकी है, मैं रेडी हूँ। एग्जाम का मेरे 1 मंथ बाकी है, मैं रेडी हूँ। एग्जाम का 7 दिन मेरा बाकी है, मैं रेडी हूँ। ऐसे करके तुम कमेंट में जरूर लिखना, जिससे तुम आज से ही इतना ठान ले रहे हो ना, तो वीडियो में आगे जरूर बढ़ना और वीडियो में पूरे सॉल्यूशन का जानना। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ, एग्ज़ाम के 1 मंथ तक पढ़ाई ही नहीं करते, 1 मंथ पहले तक कुछ पढ़ाई नहीं करते। खासकर इंजीनियर सबको देखे होगे ना, तो वो पढ़ाई ही नहीं करते, एग्ज़ाम से पहले क्लास करेंगे, असाइनमेंट प्रैक्टिकल के चक्कर में ही रह जाते हैं। क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ और इंजीनियर की एग्जाम्पल इसलिए लिया हूँ। चलो तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि पढ़ाई नहीं करते तो क्या उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है? बिल्कुल ऐसा मत सोचना, क्योंकि पढ़ाई नहीं करने वाले भी टॉपर बन सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ाई करनी होती है। अब कब करते हैं? तो एग्ज़ाम के जस्ट पास वाले टाइम में। अब कैसे करते हैं? और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सालों भर पढ़ाई करते हैं, सालों भर कॉपी के रट रट के पूरे दिमाग में लोड करते जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के जस्ट 1 मंथ पहले, 1 सप्ताह पहले कुछ ऐसे मिस्टेक कर देते हैं जिनके कारण उनका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आता है। सबसे पहले हम यह सारे बातों को 3 स्टेप प्रोसेस में समाप्त करेंगे। 3 स्टेप प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है रीड लेस। भैया रीड लेस का मतलब क्या बनता है? मैं पढ़ाई नहीं करूं, पढ़ाई कम कर दूं, क्या मेरा रिजल्ट वेस्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं बोल रहे हैं भाई, रीड लेस का कुछ और मतलब बन रहा है, जो समझो। रीड लेस में देखो, एग्जाम पास आता है ना, तो तुम दूसरे से राय विचार ज़्यादा लेते हो। अभी भी देख रहे हो, अभी क्या करोगे? तुरंत कमेंट करोगे, भैया सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे कंप्लीट करें? भाई रीड लेस करना है। रीड लेस का मतलब क्या बनता है तो समझो। अब देखो तुम क्या करोगे, अभी एग्जाम आया, किसी टीचर को या अपने दोस्त को सबसे पहले कॉल करते हो और पूछते क्या हो कि भाई मेरा एग्जाम है कल परसों में, मैं कौन सा बुक पढ़ लूँ, कौन सा लेक्चर देख लूँ कि मेरा एग्जाम में बेस्ट स्कोर हो जाए। वह 2-4 बुक का नाम बता देता और क्या करता है कि एक लेक्चर, कोई यूट्यूबर का नाम बता दिया। बिल्कुल आप फॉलो करना शुरू कर दियो। फिर क्या होता है, कुछ 1-1.5 घंटे बाद आप पढ़ाई करते हो और फिर क्या होता है, दूसरे दोस्त के पास कॉल करते हो। अब दूसरे दोस्त को बोलते हो कि भाई मैं इस बुक से पढ़ाई कर रहा हूँ और इनका लेक्चर देख रहा हूँ, क्या सही है? तो वह देखो, वह स्टूडेंट क्या बोलेगा, वह तुम्हारे दोस्त क्या बोलेगा, भाई बेकार पढ़ा रहा है, और क्या है कि वह बुक यार उससे कुछ नहीं होने वाला है, मैं बुक बता रहा हूँ ना, उस बुक के ले लो, हाँ उस बुक के ले लो, और उस बुक से एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। ऐसे करके वह मोटिवेट करेगा और तुरंत क्या करोगे, तुम मार्केट जाओगे और फिर वह बुक ले लोगे और उस बुक से पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, और वह टीचर का फिर तुम क्या करोगे, वीडियो देखना शुरू कर दोगे, लेक्चर देखना शुरू कर दो। बहुत सारे पढ़ाई कर लिए, लेकिन माइंड आपका वैसा थोड़ी ना है। आप भी इंसान हो, आप सुपरमैन थोड़े ना होंगे, सब कुछ याद कर पाओगे आप। तो आपको क्या करना है, रीड लेस, एक बुक को फॉलो करना है, एक टीचर को फॉलो करना है, उसी से पढ़ाई करना है, जैसा भी पढ़ाए लेकिन एक ही बुक। अब इससे आगे मैं बढ़ूं उससे पहले आप सभी को एक ऑफ़र की जानकारी देने वाला हूं। एक सी का बुक कहीं भी अवेलेबल नहीं है, BCC का बुक अवेलेबल नहीं है, PYQ अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, तो यह सारी चीज़ को देखकर मैं इंग्लिश मीडियम में, हाँ इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए PDF फॉर्म में बुक ला दिया हूँ, जिसमें आपको रिवाइज करने में बन जाएगा, क्विक रिवाइज कर सकते हैं, तुरंत रिवाइज कर सकते हैं, MCQs मिलेगा, जो PYQ बेसिस है, यानी कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है उस पे बेसिस है, और साथ में बताए तो वह MCQs बहुत सारे डिफरेंट टाइप में डिवाइड करके भी बताया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस किस टाइप का MCQs आता है। तो आप सभी अगर परचेज करना चाहते हो तो ओनली 99 में 1 सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा।
और बात आती है हिंदी मीडियम का, तो हिंदी मीडियम में अभी 2-3 दिन समय लगेगा। हाँ, 2-3 दिन में आपका हिंदी मीडियम भी आ जाएगा, तो आप हिंदी मीडियम वाले जितने स्टूडेंट हैं वह सभी भी परचेज कर सकते हैं। चलिए सेकेंड स्टेप प्रोसेस का हम बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में याद नहीं रहता है, अब याद करने का देखो तरीका। अब चलो हम बात करते हैं पुराने ज़माने में लोग कैसे याद करते हैं, बस नंबर भी याद रखते थे। हाँ, अभी भी गाँव में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो कॉपी डायरी पर कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन उनको बहुत हिसाब याद भी रहता है। कैसे? तो वो सभी याद कैसे करते हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो तुम अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी को, तो करना क्या होगा, सिंपल सा बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़ना पड़ेगा, हाथ पे काउंट करके, हाँ इमेजिन करके पढ़ना पड़ेगा, हाँ विजुअलाइज करके पढ़ना पड़ेगा। विजुअलाइज कैसे करोगे, तो देखो भाई हम उस टेक्निक को यूज करते हैं, तुम भी यूज करो। आज से विजुअलाइज करके पढ़ना शुरू कर दो। सपोज डेट कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हो ना, सपोज डेट प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हो या धोनी के बारे में पढ़ रहे हो, गति के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसको फील लो, सपोज डेट फील लो। और हाथ को अपने मूवमेंट करके, हाथ को मूवमेंट करके, गर्दन को मूवमेंट करके पढ़ाई करो, तब जाकर देखो कि तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जाता है और तुम हमेशा के लिए कैसे याद कर लेते हो और एग्जाम में कैसे फोड़ देते हो। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे सेट करना है यह बात को समझ गया, तुमको विजुअलाइज करके पढ़ना है। विजुअलाइज करने के लिए सिंपल सा तरीका है, अपने हाथ को मूवमेंट में लाओ, बॉडी को मूवमेंट में लाओ और खुद को टीचिंग करो। हाँ, खुद को टीचिंग करो। अगर कोई तुम्हारे पास छोटा भाई है तो उसको पढ़ा रहे हो तो बढ़िया है, नहीं पढ़ा रहे हो तो भाई खुद को पढ़ाओ। अधिकांश बच्चे, जितने भी टॉपर स्टूडेंट को देखेगा ना, तो खुद को पढ़ाता है। हाँ, खुद को पढ़ाता है, जिससे क्या होता है वह बेस्ट स्कोर करता है, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाता है। चलो थर्ड प्रोसेस पॉइंट पे आते हैं। थर्ड प्रोसेस पॉइंट है ओवर थिंकिंग। अब देखो ओवर थिंकिंग को भी मैं एग्जांपल से ले रहा हूँ। तुम सपोज डेट जा रहे हो दोस्त के साथ में पार्टी करने, हाँ पार्टी करने जा रहे हो। अब देखो तुम गाड़ी से जाओगे, सपोज डेट बाइक से जाओगे। अब बाइक से नॉर्मल बात होगी, बाइक से तो जाते ही हैं बच्चे, 11th 12th के बच्चे तो बाइक से जाते हैं। बाइक से जाओगे, अब बाइक से जा रहे हो तो तुम्हारे माइंड में अगर ओवर थिंकिंग होगा, हाँ ओवर थिंकिंग होगा, तो तुम क्या क्या सोच सकते हो। तुम सोचोगे बाइक से जा रहे हैं, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके बाद मैं कामयाब नहीं रहूँगा, उसके बाद में अगर मैं पार्टी में जा रहा हूँ कहीं कुछ हो जाता है, किसी दूसरे का एक्सीडेंट मैं कर देता हूं तो मैं फंस जाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन ओवर थिंकिंग का है। तो अगर तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो ये सारे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो आराम से जाओगे पार्टी में, एंजॉय करोगे और फिर घर पे भी वापस आ जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो देखो ओवर थिंकिंग स्टूडेंट कैसे करते हैं, तो पढ़ने बैठते हैं। पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देखते हैं और तुरंत माइंड में आता है यार याद नहीं होगा, बहुत लॉन्ग आंसर है, बहुत डिफिकल्ट है। अपने ब्रेन को इतना निगेटिव देते हैं ना कि वो ओवर थिंकिंग करने लगता है, जिससे उनको क्या लगता है अब मुझसे एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ओवर थिंकिंग बंद कर दो। अब जब भी माइंड में ओवर थिंकिंग की बात आए ना, तो मेरे स्टोरी बताए पर काम करना, जरूर ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया एक दोस्त के पास जरूर शेयर करना, जिससे उनका मदद हो। और BCC का मैं बुक ला रहा हूँ, और हिंदी मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया, दोनों में बुक 3 दिन के अंदर में रेडी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम का अभी रेडी है, लेकिन हिंदी मीडियम का 2-3 दिन टाइम लगेगा, ज़रूर आएगा। तो वीडियो को शेयर कर दो।